काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से ये बात सरकार को बोलना चाहता हूं कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ था और उसमें 6 लोग मासूम बच्चे महिला और आदमी मर गए थे और 100 लोग इसके अंदर जख्मी हुए थे। वो केस के अंदर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित एंड कंपनी, हेमंत करकरे साहब ने उसका खुलासा किया था और उनको अटक किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दिया और ATS मोकोका कोर्ट के अंदर 21 तारीख को उसका चार्ज फ्रेम है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ATS जाकर उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं ली और न अभी ATS का जब ATS यहां मोकोका कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन नहीं रही। अध्यक्ष महोदय यही कारण है बेल हो गई है। और अध्यक्ष महोदय कब मालेगांव शहर की आवाम को इंसाफ मिलेगा? बम ब्लास्ट तो कोई भी जो दहशतगर्द है चाहे वो कोई भी समाज को, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। सरकार से मेरी विनंती है आपके माध्यम से कि सरकार ने ATS को बोलने चाहिए कि वहां पर जाकर ऑब्जेक्शन ले और उनको डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए और हमको इंसाफ मालेगांव शहर की आवाम को मिलना चाहिए। यह आपके माध्यम से मैं विनंती करता हूँ।